जी, एक्टिवेशन फंक्शन में हमने अभी तक देखा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके बाद हमने देखा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्टिवेशन फंक्शन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन, विच इज़ कॉल्ड रेलू। अब ये रेलू क्या है, इसकी डिटेल क्या है? बेसिकली रेलू स्टैंड फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड का मतलब होता है करेक्टेड, और लीनियर यूनिट का मतलब यही है कि जो हमारे पर लीनियर डाटा को नॉन लीनियर में कन्वर्ट करेगा। अब ये करता कैसे, इसको हम वन बाई वन इसकी डिटेल्स की तरफ हम चलते हैं। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, लिटरल मीनिंग ऑफ रेक्टिफाइड इज करेक्टेड। जैसे मैंने अभी कहा, रेलू फार्मूला कैन बी गिवन एज फॉलोज, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको दोबारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जीरो एंड एक्स। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बड़ी आसान सी एक्सप्लेनेशन है। इससे मुराद क्या है कि जो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनमें से आपने मैक्सिमम को फाइंड आउट करना है। इससे मुराद अब क्या है कि अगर तो वो पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर वो एज इट इज रहेगा, अगर वो नेगेटिव नंबर होगा तो वो उसे जीरो कर देगा। यानी कि दोबारा मैं अगर इसको क्लियर कहूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि -10 है और यहाँ पे वैल्यू जो है लेट से -10 है अगर आपके पास, तो क्या होगा, इसको ये जीरो में कन्वर्ट कर देगा। और यानी कि अगर ये जीरो लेट से आपने उठाना है ना, जीरो और -10 में से बड़ा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। लेकिन अगर ये जीरो और 10 होता पॉजिटिव नंबर तो ये हो जाता 10। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रेलू में क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे और जो नेगेटिव नंबर है वो सब जीरो के फॉर्म में हो जाएंगे। शेप क्या बनती है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब कुछ फायदे देखते हैं। कंप्यूटेशनली इट इज 6 टाइम्स फास्टर देन सिग्माइड एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक बिकॉज नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इन्वॉल्व। मेक सेंस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है, आपने कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो इस वजह से ये काफ़ी फास्टर है और एम्पेरिकली मुशाहदाती तौर पर पता लगा कि ये 6 टाइम फास्टर है। फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वैल्यू इन पॉजिटिव रीजन ऑफ इनपुट ग्रेडिएंट डज नॉट बिकम जीरो, विच इज अ गुड थिंग। अब दोबारा क्या, पहले क्या हो रहा था, सिग्माइड और हाइपरबोलिक में दोनों सूरतों में जीरो हो रहा था। अब क्या है, माइनस के लिए तो जीरो कर रहा है लेकिन प्लस के लिए जीरो नहीं कर रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन में भी यूजफुल होगा। फाइनली नेगेटिव चीज़ क्या है, इनपुट वैल्यू एक्स इज लेस देन जीरो नेगेटिव रीजन में क्या होगा, स्टिल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी वजह से जो रेलू हम पढ़ने लगे हैं इसको कहते हैं डेड रेलू भी कहते हैं, क्योंकि क्या है कि डेड रेलू क्या है कि नेगेटिव हिस्से में ये जीरो होगा। इसकी फिगर भी अभी हम देख लेते हैं। ये इसकी बड़ी आसान सी फिगर है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है कि जब वैल्यू जीरो है या जीरो है या इससे कम है तो ये सारा जीरो है और पॉजिटिव के लिए एज इट इज़ रख रहा है। ये इसकी शेप भी दिखाई गई है। तो अब आप देख सकते हैं जब ये 10 है तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3, 4, 5, 10 के लिए सारी वैल्यूज पड़ रहा है, लेकिन -10 के लिए 0 से लेके -1, -2, -3, -10 ये सब वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये जो हिस्सा है इसको डेड रेलू भी कहते हैं। अच्छा, आउटपुट ऑफ रेलू इज नॉट जीरो सेंट्रिक। अगेन ये भी जो है ये जीरो सेंट्रिक नहीं होता, तो ये भी एक नेगेटिव है। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान, लेकिन ज्यादा मेजर फायदा यही है क्योंकि इसने क्या किया, जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको अहमियत दी है, उसको उन्होंने कांस्टेंट नहीं किया, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब क्या सोल्यूशन है, इनको दूर करने के सोल्यूशन क्या हैं? पहला जो ऑप्शन है उसे कहते हैं लीकी रेलू। रीकी रेलू क्या है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स का रेलू तो वही रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट बनता है। रीकी क्या है, लीकी क्या करता है, ये डेड रेलू का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देता है। डेड रेलू का प्रॉब्लम क्या था, मैक्स ऑफ जीरो और फिर जो उसकी एक्स की वैल्यू थी, अगर इस जीरो की जगह हम कोई फार्मूला लगा दें जो यहाँ पे लगाया गया है कि मैक्स ऑफ 0.0.1 इंटू एक्स, इससे मुराद अब क्या होगा कि जब नेगेटिव वैल्यूज भी हैं तो वो जीरो नहीं होंगी, उनको किसी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम यूज़ कर लेंगे। लाइक रेलो लेकी रेलो इज फास्टर देन सिग्माइड एंड टेंजेंट टेंजेंट हाइपरबोलिक। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। और ग्राफिकली लेखो कि लिखो क्या लीकी रेलू कैसे ही नजर आएगा, कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव के लिए एज इट इज होगा और माइनस के लिए क्या होगा, अब ये कांस्टेंट नहीं है, हल्का ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, ग्रेजुअल चेंज। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ग्रेजुअल चेंज आता जाएगा। तो ये है लीकी रेलू के एग्जाम्पल। फाइनली हमारे पास है पैरामेट्रिक रेलू। पैरामेट्रिक रेलू क्या है, जैसे ही हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था 0.01 एक्स, तो मैंने भी जब ये देखी ना तो मैंने भी पहला क्वेश्चन ये किया, भाई 0.01 क्यों है, 0.2 क्यों नहीं है, 0.1 क्यों नहीं है, 0.3 क्यों नहीं है, वाई? इसका आंसर है पैरामेट्रिक रेलू। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग 0.01 इन द फार्मूला, क्या करो, वी हैव अ पैरामेट्रिक अल्फा। अल्फा से मुराद क्या है कि अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू इसकी लेके आ सकते हो लीकी रेलू की। अल्फा वाले केस में ये 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है,
और अब अच्छी चीज़ क्या है, ये लर्न करेगी ट्रेन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क। इससे मुराद क्या है, जब आप नेटवर्क को ट्रेन करते हो, जब आप उसमें आपने लेयर्स बना ली, उनमें वेट्स लगाओगे, तो उधर से आप देखोगे यार कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहिए या अल्फा की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। तो पैरामेट्रिक वैल्यू क्या होगा, अब आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने सिस्टम को लर्न करवा सकते हैं वैल्यू ऑफ डेड जो वैल्यू था हमारा, जिसमें वो नेगेटिव वैल्यूज को जीरो कर रहा था पहले, कि उनकी क्या एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, उनका एक्चुअल अल्फा क्या होना चाहिए, ये सिस्टम अब लर्न करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या है, इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेलू एंड लीकी रेलू वर्क वेल, हाउएवर डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस कैन बी ट्राइड इन न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑफ कोर्स CNN एज वेल। इनपुट टू द एक्टिवेशन फंक्शंस इज वेक्टर इंस्टेड ऑफ सिंगल रियल वैल्यू। एक्टिवेशन फंक्शंस ऑपरेट ऑन ईच इनपुट वैल्यू इन द वेक्टर इंडिविजुअली एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज अ वेक्टर। ये फाइनल जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि हो क्या रहा है, हमारे पास इनपुट वेक्टर आया, उसके ऊपर हमने कन्वोल्यूशन लगाई, उस कन्वोल्यूशन ने एक नंबर दिया, उसके ऊपर हमने रेलू अप्लाई किया, उसने फिर एक नंबर दिया, यानी कि वेक्टर्स की फॉर्म में हमारे पास चाह रहा, और फिर ये आगे मैक्स पूलिंग वाली साइड पे जाएगा या पूलिंग के डिफरेंट ऑप्शन पे जाएगा, और इस तरह आगे हमारे पास सारा स्ट्रक्चर चलता जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी यहाँ पर चार एक्टिवेशन फंक्शन बताए हैं, ऑल्दो ये चार नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ईलू भी है इसमें, बाइनरी भी है इसमें, और भी काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शन हैं। तो आप अपने टाइम में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि यार और कौन से एक्टिवेशन फंक्शन हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स में सबसे ज़्यादा रेलू यूज़ होता है, या फिर उसके डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, जैसे लीकी रेलू था, पैरामेट्रिक रेलू था, ये यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमने इन पर फोकस किया। लेकिन स्टिल देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस अवेलेबल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड योरसेल्फ।